बच्चों, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर कर रहे थे और उसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करने के बाद में डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पर डिस्कशन कर रहे थे। तो जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस थे वो थे आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मिक प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस, और पांचवा था पॉलीट्रॉपिक जो कि जनरलाइज्ड था, है ना। कुल मिला के जो चार बेसिक प्रोसेस हैं उनमें से हमने तीन पर डिस्कशन कर लिया था। हम एडियाबेटिक प्रोसेस पर डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखिए, एडियाबेटिक प्रोसेस, देखिए ये जो एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, इसकी सबसे खास बात ये होती है कि डेल्टा क्यू जो होता है ना, दैट इज जीरो, यानी कि नो हीट ट्रांसफर, हीट कैन नीदर एंटर नॉर एग्जिट आउट, नो हीट ट्रांसफर। आप इसका मतलब समझिए, P, V, T कैन चेंज, P V T कैन चेंज विदाउट विदाउट एनी हीट, पी वी टी कैन चेंज विदाउट एनी हीट, बिना हीट के प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज हो सकता है। देखिए, आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो, सारा हमारा जो डिस्कशन हुआ था ना तीन प्रोसेसेस का, आइसोबैरिक का डिस्कशन किया किया हमने, ठीक है ना, आइसोकोरिक का किया और आइसोथर्मिक का किया। बेटे, ये जो हमने डिस्कशन किए थे ना, इसमें हर केस में हमने कुछ बातें की थी। क्या क्या बातें की थी? हर केस में करी थी हमने, हर केस में हमने एक इक्वेशन बनाई थी, उसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट और लॉ, है ना, और लॉ। हमने नियम बनाया था, जैसे आइसोबारिक के लिए हमने नियम बनाया था चार्ल्स लॉ, है ना, आइसोकोरिक के लिए हमने नियम बनाया था गेलुसेक्स लॉ, और आइसोथर्मिक के लिए हमने नियम बनाया था बॉयल्स लॉ। तो यानी हर केस के लिए हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट बनाया था। दूसरा, हमने हर केस के लिए इंडिकेटर डायग्राम बनाया था, है ना, हर केस के लिए इंडिकेटर डायग्राम किया था ना। ओके, फिर हमने डेल्टा क्यू की कैलकुलेशन की थी, डेल्टा डब्ल्यू की कैलकुलेशन की थी, डीयू की कैलकुलेशन की थी, ये सब हमने की थी। इस वाले में भी हम यही सब कुछ करेंगे, यानी जो हमने वहां तीनों के लिए किया था वही कार्य हम एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए करेंगे। लेकिन वो जो तीनों प्रोसेस थे, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मिक, उनमें एक खास बात थी कि पी वी और टी में से कोई एक कांस्टेंट था, है ना। जैसे आइसोबारिक में पी कांस्टेंट था, आइसोकोरिक में वी कांस्टेंट था और इसमें टी कांस्टेंट था, है ना। तो क्या होता था कि जैसे पी वी टी, इसमें हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है ना, पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है। ओके, इस आइडियल गैस इक्वेशन में एन और आर दोनों कांस्टेंट होते हैं, एक गैस सिस्टम के लिए नंबर ऑफ मोल एक बार ले लिए तो ले लिए, पी वी और टी वेरिएबल होते हैं। ओके, तो ये जो तीनों प्रोसेस जब हमने डिस्कस किए थे तो एक में प्रेशर कांस्टेंट था, एक में वॉल्यूम कांस्टेंट था, एक में टेम्परेचर कांस्टेंट था, हमारे लिए इक्वेशन बनाना बड़ा आसान हो गया था, बहुत ही आसान हो गया था। जब हमें आइसोबारिक की इक्वेशन बनानी थी तो प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया, जब हमें आइसोकोरिक की बनानी थी वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया, आइसोथर्मिक की बनानी थी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया। बड़े आराम से इक्वेशन बन के हमारे सामने आके खड़ी हो गई थी, है ना। और फिर उस इक्वेशन का उपयोग करके हमने बहुत ही आसानी से जो है ग्राफ ड्रॉ कर दिए थे, इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ कर दिए थे, करेक्ट। ओके, यहां एक समस्या है, यहां ना तो पी के बारे में कोई बात हो रही है, ना वी के बारे में कोई बात हो रही है, ना टी के बारे में कोई बात हो रही है। ये सब चेंज हो सकते हैं विदाउट एनी हीट, यानी हीट ना लेना है ना देना है और फिर भी पी वी और टी में चेंज करना है, ये यहां हो रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस में। ओके, अब यहां इक्वेशन ऑफ स्टेट को पकड़ना, स्टेट
इक्वेशन ऑफ स्टेट को फिक्स करना, इस इक्वेशन ऑफ स्टेट को डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा काम है, और ये आपके जरूर एग्जाम में आता है। यानी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में से बहुत जनरल है, हर स्कूल टीचर देगा, मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम टॉपिक डाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट स्टेट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, ये हमारा टॉपिक है एडियाबेटिक प्रोसेस। हम कैसे इसको डिराइव करेंगे, है ना, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, और इसी का नाम है, इसी का नाम है डेरिवेशन ऑफ, डेरिवेशन ऑफ पॉइसन्स लॉ, पॉइसन्स लॉ फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। ये डेरिवेशन पूछा जाता है बेटा, बहुत ही ध्यान से पढ़िए इसको, डेरिवेशन ऑफ पॉइसन्स लॉ फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पॉइसन्स लॉ होता क्या है वो बता दूंगा आपको। देखिए मैं एक बार पॉइसन्स लॉ बता देते हैं, डेरिवेशन हम बाद में करेंगे। पॉइसन्स लॉ होता है पी वी रेस टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सवाल ये उठता है ये गामा क्या होता है, बेटा ये गामा होता है सीपी अपॉन सीवी, दोनों का रेशियो होता है गामा, सीपी अपॉन सीवी का रेशियो होता है। किस किस के लिए क्या क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में बाद में करेंगे, फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इट इज द पॉइसन्स लॉ। तो हम इसका डेरिवेशन करेंगे, ओके। तो देखिए हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एंड इनफैक्ट दिस इज कॉल्ड एज पॉइसन्स इक्वेशन, है ना, पॉइसन्स लॉ इसका नाम है ना, ये आपका डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस पॉइसन्स लॉ। देखो सबसे पहला तो इसके अंदर एक स्टेप फर्स्ट आ रहा है, डेल्टा क्यू बराबर जीरो, डेल्टा क्यू बराबर जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद में नंबर टू जो है वो है हमारा पीवी इक्वल टू एनआरटी, हम इन दोनों का यूज करके और इसको डेराइव करेंगे, राइट। तो मैं कर रहा हूं, देखो डेल्टा क्यू बराबर होता है बेटा डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। हम सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे फॉर अ स्मॉल चेंज, है ना, फॉर अ स्मॉल चेंज बेटा डेल्टा क्यू को तो जीरो लिखना ही लिखना है, डेल्टा डब्ल्यू को लिखेंगे एन सी वी डी टी, डेल्टा डब्ल्यू को लिखेंगे पी डी वी। ये आप बात को पकड़िए थोड़ा सा, ये आपकी इक्वेशन नंबर वन हो गई, है ना, इसमें कुछ भी नहीं किया हमने, डेल्टा क्यू तो जीरो है आपका एज पर द डेफिनेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, डेल्टा क्यू जीरो है, और एन सी वी डी टी आपका कहा है कि डी यू हमेशा होता है, और हमने पी डी वी लिख दिया डेल्टा डब्ल्यू को, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल चेंज, है ना, फिर उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो फुल चेंज के लिए आ जाएगा, है। चलिए एक काम हो गया आपका, अब हम यहाँ पर जो है इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी को डिफ्रेंशिएट करें, तीनों वेरिएबल हैं साहब, ध्यान दीजिए आप, ऑल थ्री आर वेरिएबल्स, पी वी वेरिएबल है, वी वी वेरिएबल है, एन आर कॉन्स्टेंट है, और टी वेरिएबल है। चलिए तो मैं इसको कर रहा हूं पी डी वी, पी डी वी प्लस वी डी पी इट इज इक्वल टू एन आर डी टी, ये हमारा आ गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर बहुत मामूली सी एक बात है, हमें यहां पर रिलेशन क्या चाहिए, हमें रिलेशन ये वाला चाहिए। देखो डेरिवेशन हमें इसका करना है, पी वी रेस टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको डेराइव करना है बेटा, करना है ना, ओके। अब इसमें आपको पी दिखाई दे रहा है, वी दिखाई दे रहा है, टी गायब है, यहां पे टी दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब यह होता है कि हम कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे जिससे टी हमारी इक्वेशन में से गायब हो जाए, तभी तो, और क्या, यही तो बात है। तो हम ऐसा कुछ स्टेप्स उठाएंगे जिसे टी हमारी इक्वेशन में से खत्म हो जाएगा। तो मैं कर रहा हूं, कुछ नहीं करूंगा जी, मैं कुछ कोई ज्यादा बड़ा काम थोड़ी करने वाला हूं,
मैं क्या करूंगा, इस टी को उठा करके इधर रख लूंगा और यहाँ पे डी टी की वैल्यू रख दूंगा, है ना। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जीरो, ये टीज इक्वेशन नंबर टू, इसको आप इक्वेशन नंबर टू कह दीजिए, है ना। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू लिखिए आप, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, चेक करो, जीरो तो है ही बेटा उधर, तो उसको जीरो रहने दो, उसके बारे में कुछ मत बात करो। एन सी वी को एन सी वी रहने दो, एन सी वी को एन सी वी रहने दो, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे, डी टी को हटाएंगे बस, अब हमारा उद्देश्य केवल डी टी का खात्मा करना है। डी टी गया और हमारा काम बना। हाँ ये लो जी, पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन एन आर, ये लो जी डी टी को उड़ा दिया, बस इतना सा ही तो काम करना है। हमेशा ऐसे ही क्या करो, ध्यान दीजिए, ये मैथमेटिकल अप्रोच होती है एक्चुअल में, ये आपको मैं बताऊं कि बड़ी सिंपल सी अप्रोच है और ये पूरी फिजिक्स में लगेगी, पूरी फिजिक्स में लगेगी, कोई चैप्टर कोई टॉपिक ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स में भी लगेगी, केमिस्ट्री में भी यही अप्रोच लगती है। क्या आपको अपना रिजल्ट जिस फॉर्मेट में लाना है, ध्यान दीजिए, सीखिए धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके सीखिए, आपको जिस फॉर्मेट में रिजल्ट लाना होता है, हर चीज को उस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करो कि भैया रिजल्ट में टी नहीं चाहिए, टेम्परेचर नहीं चाहिए, तो आप टेम्परेचर को हटाइए, लेकिन टेम्परेचर को ऐसे नहीं हटाएंगे कि आपको मन में आ रही है मिटा दो, नहीं नहीं उसकी वैल्यू रख करके हटाएंगे, है ना। यानी इक्वेशन जो इक्वेलिटी साइन है ना, इसकी अपनी एक रेस्पेक्ट है। देखिए ये जो इक्वेलिटी साइन होता है ना बेटा, ये समझ लो कि ये साइंस का भीष्म पितामह है, साइंस इसी साइन पर टिकी पड़ी है, पूरा विज्ञान केवल इस इक्वेलिटी वाली साइंस पर टिका पड़ा है। इक्वेलिटी, ये इक्वेलिटी साइन इतना स्ट्रांग साइन है, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कभी भी अनइक्वल नहीं बना सकते। अच्छा, इसका मतलब यह है कि अगर हमें कोई चेंज करना है, मान लो डी टी हटाना है, तो भैया डी टी हटाने के लिए आपको पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ेगा। आपको डी टी नहीं चाहिए, टेम्परेचर नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए कोई बात नहीं, मत रखो टेम्परेचर को, टेम्परेचर को हटाओ वहां से, लेकिन हटाने के लिए उस टेम्परेचर की प्रॉपर वैल्यू रखनी पड़ेगी। और ये सारे में करना पड़ेगा, काइनेमेटिक्स में भी आप ऐसा करते आए हो, डायनेमिक्स में भी करते आए हो, रोटेशनल डायनेमिक्स में भी करते आए हो, आगे भी ट्वेल्थ क्लास की सारी फिजिक्स में हम बहुत सारे ऐसे काम करेंगे। चलिए आपका डी टी हो गया, अब जरा देखना इसको सेटिंग करना भैया, इसकी करें हम, मैं कर रहा हूँ, देखो मैं एन आर को जो है ना एलसीएम ले रहा हूँ, देखना एन से एक एन यहाँ वाला तो उड़ी जाएगा, हाँ एन से एक एन तो उड़ाई दो आप, ये जीरो आया जी। कैपिटल सी वी को रहने दो आप, है ना, कैपिटल सी वी को रहने दो, पी डी वी कर दो, हाँ पी डी वी कर दो, प्लस कैपिटल सी वी वी डी पी प्लस आर इंटू पी डी वी, ए बात चेक करो जरा, ठीक है जी। ये आपकी इक्वेशन नंबर टू आ गई, इस इक्वेशन को मैं यहां रीराइट कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू रीराइट दिस इक्वेशन, देखना बेटा मैं लिख रहा हूं इसको पी डी वी, पी डी वी, पी डी वी सी वी प्लस आर, आप चेक करिएगा कि इफ आई एम डूइंग एनी मिस्टेक, सी वी प्लस आर इट इज इक्वल टू माइनस सी वी इंटू वी डी पी। देखो जरा यहां से चेक करिए, सभी बच्चे चेक करें क्वेश्चन को और अपने वीडियो को ध्यान से देखते हुए चेक किया करो, है ना, ओके हो गया बेटा ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, पी डी वी इक्वल टू सी पी आ जाएगा, ये तो सी वी प्लस आर तो सी पी होता है ना, हाँ सी वी प्लस आर सी पी होता है, मेयर्स लॉ, सी वी माइनस सी वी बराबर आर पढ़ाया था, तो सी वी प्लस आर सी पी हो गया, तो माइनस सी वी इंटू वी डी पी, है ना। अब देखिए आप, अब देखिए जब ऐसा हो गया है तो मैं कहूंगा डी पी अपॉन डी वी, डी पी अपॉन डी वी बराबर माइनस, अच्छा एक बात है ना, डी पी अपॉन डी वी करें क्यों हम, क्योंकि अभी हमें तो इंटीग्रेशन करना है, हाँ नहीं करो जी, नहीं करो, नहीं करो, रहने दो ऐसे, ऐसे ही रहने दो। आप ऐसा करिए, इसको सी वी को इधर ले आओ और बाकी जो है ना वी को वी के साथ ले आओ और पी को पी के साथ ले आओ, हाँ ऐसे ही करना है, मैं कर रहा हूँ। देखो
मैं लिख रहा हूं डी वी अपॉन वी, डी वी अपॉन वी इंटू गामा, इट इज इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन पी। ये लो जी, देखिए सी पी अपॉन सी बी को तो गामा होता है, तो इसलिए हमने सी पी अपॉन सी बी को गामा लिख दिया और डी पी अपॉन पी ये लिख दिया। ये आपका इक्वेशन आ गया। अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, तो आई एम डूइंग इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रल करेंगे, यानी कोई लिमिट वगैरह नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम एक फॉर्मूले को डेराइव कर रहे हैं तो वो हमें कुछ पता नहीं रहता उसकी लिमिट क्या है। डी पी अपॉन पी इट इज इक्वल टू माइनस, ये एक मिनट, यहाँ पे आप माइनस हटा दो या वहाँ से हटा दो, एक जगह से हटा दो, है ना, इट इज इक्वल टू गामा डी वी अपॉन वी। देखो बेटा, तो हम इसको लिख देंगे इट इज इक्वल टू लॉन ऑफ पी, इट इज इक्वल टू माइनस गामा, माइनस गामा लॉन ऑफ वी प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आएगा जब इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ देते हैं। आप देखिएगा लॉन ऑफ पी प्लस लॉन ऑफ वी रेज टू पावर गामा, वी रेज टू पावर गामा, यस नोट करिए, इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिए आप, ये गामा है ना, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, ये लॉग का रूल है, लॉग का रूल है। क्या रूल है लॉग का? कि ए लॉन ऑफ सी या लॉन ऑफ बी, इसको आप ले सकते हैं लॉन ऑफ बी रेज टू पावर ए, ये रूल है। तो हमने वो रूल लगा दिया, करेक्ट। अच्छा, अब ये दोनों के लॉग पॉजिटिव में है तो हम इसको लिख देते हैं इट इज इक्वल टू लॉन पी वी रेज टू पावर गामा, इट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये लीजिए जी, आपके पास में ये लॉन लॉग आ गया है। अगर हम चाहें ये सब कॉन्स्टेंट है, ये सब कॉन्स्टेंट है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं कह दूंगा पी वी रेज टू पावर गामा इट इज सम डिफरेंट कॉन्स्टेंट, इट इज सम डिफरेंट कॉन्स्टेंट, है ना। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो एक बार समझने की दृष्टि से या एग्जामिनर को प्रसन्न करने की दृष्टि से, कि आपका जो टीचर कॉपी चेक करने वाला है उसे ऐसा लगे कि बच्चे को आता है। आप ई रेस टू पावर सी लिख सकते हो, फिर इसको सी डैश लिख सकते हो और ब्रैकेट में लिख सकते हो कि न्यू कॉन्स्टेंट, ठीक है। बस कॉन्स्टेंट तो है, लेकिन कॉन्स्टेंट तो है, इट इज दी पॉइसन्स लॉ, पी वी रेस टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर स्टेट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस एंड कॉल्ड व्हाट, एंड कॉल्ड एज, कॉल्ड एज पॉइसन्स लॉ, पॉइसन्स लॉ, ठीक है बेटा। ये आ गया, तो ये आपका डेरिवेशन हो गया और बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन, कुछ किया ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है। बस एक तो हमने डेल्टा क्यू जो जीरो रखा था उसको ईमानदारी से जीरो रखा, और पी वी इक्वल टू एन आर टी को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, बिकॉज थ्री क्वांटिटीज पी वी टी आर वेरिएबल, कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है, इसलिए हमने तीनों को इंटीग्रेट वो डिफ्रेंशिएट किया। फिर बस टी को हटाना था तो टी की वैल्यू रख दी, खत्म बात। चलिए, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पॉइसन्स लॉ। देखिए, अपने को अलग अलग क्वेश्चंस में यूज लेने के लिए पॉइसन्स लॉ की अलग अलग फॉर्म काम में आती है, और बड़ी सिंपल है, किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं है, कोई याद नहीं करना। पी वी रेस्ट पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बस केवल इतना सा याद रहना चाहिए, इसके बाद का सारा काम बड़ा आसान है, केवल एक मैथमेटिकल प्लानिंग और कुछ भी नहीं है। देखिए, ये जो है ना, इसको मैं लिखना चाहता हूँ पी वी वी रेज टू पावर गामा माइनस वन, ऐसे लिख दिया। ये बात अब समझिए क्या हुआ, हमने क्या किया, वी रेज टू पावर गामा था, इसको वी को इधर ले, गामा माइनस वन रख दिया, ऐसा तो हम कर ही सकते हैं। तो अब आपका ये पी वी इक्वल टू क्या हो गया, पी वी इक्वल टू होता है एन आर टी, हमेशा ही होता है। अब सोचिए आप, टी वी रेस टू पावर गामा माइनस वन, ये बन गया आपका C अपॉन एन आर, ये अगेन एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, अगेन एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में टी वी रेस टू पावर गामा माइनस वन इट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी पॉइसन्स लॉ ही है ना, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के टर्म में। ध्यान दीजिए, ये पॉइसन्स लॉ था प्रेशर एंड वॉल्यूम के टर्म में, ये पॉइसन्स लॉ है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के टर्म में। कोई तीर नहीं मारा है,
केवल एक थोड़ा सा अरेंजमेंट किया है, पीवी को इधर ला दिया, पीवी की वैल्यू खत्म, बात। अच्छा चलिए, ये तो आपका टी एंड वी के टर्म में आ गया। अब हमें पी को रिमूव करना है और वी और टी लेके आना है, सॉरी पी को तो रिमूव कर दिया हमने, अब हमें वी को रिमूव करना है और पी और टी के अंदर लेकर के आना है। तो देखो देखो, पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी होता है। तो बेटा आपका वी क्या आएगा, वी आएगा आपका एन आर टी अपॉन पी, करेक्ट, ओके, एन आर टी अपॉन पी आ गया, बिकॉज वी वांट रिलेशनशिप इन बिटवीन पी एंड टी। तो देखो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे, इस वी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, और क्या करेंगे हम, तो ऐसे ही करते हैं जी, कभी कभी भी हम डिफिकल्ट काम नहीं करते कभी भी, ये कॉन्स्टेंट है बेटा, इसके अंदर आप वी की वैल्यू रखो, ईमानदारी से रखिए, पी वी की जगह रखो बेटा एन आर टी अपॉन पी की पावर गामा, इट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। तो देखो एन आर गामा टी रेस टू पावर गामा अपॉन पी रेस टू पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप लोग चेक करेंगे, डोंट बिलीव ऑन मी, आई कैन डू एनी मिस्टेक, अगर मेरे से कोई गलती होती है तो आपको मेरे को जूम सेशन में बताना चाहिए। ये ध्यान रखिए कि मतलब मैं जो भी कुछ पढ़ाता हूँ उसमें से मुझे कुछ भी याद वाद नहीं रहता है, सब कुछ उसी समय उसी मोमेंट पर सब तैयार होता है, क्योंकि सब कुछ 100% उसी समय होता है तो याद रहता नहीं है, इसलिए गलतियाँ हो सकती हैं जो भी। अगर अच्छा एक बात और है, मैथमेटिक्स की एक खास बात होती है कि अगर एक स्टेप में कुछ गड़बड़ हुआ ना तो वो गड़बड़ सारे स्टेप्स में आएगी, आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है, तो इसलिए आपको चेक करना चाहिए, है ना, क्योंकि अब पता नहीं, अब अगर गड़बड़ हो गई तो कई बार क्या होता है कि वन माइनस गामा गामा माइनस वन में पंगा हो जाता है, तो इस तरह की होनी नहीं चाहिए, मतलब सिस्टम से काम करते रहो, आप चेक कर लीजिए अच्छी तरह से, क्या दिक्कत है, चेक तो करना ही चाहिए, चेक करोगे ना बेटा तभी आपको समझ में आएगा, चेक नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये देखो ठीक है, ये आपके पास टेम्परेचर प्रेशर में रिलेशनशिप आ गया, यानी तीनों रिलेशनशिप आ गए, पी में और वी में, और टी में और वी में, और पी में और टी में, पी वी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वॉल्यूम एंड प्रेशर टेम्परेचर, तीनों रिलेशनशिप आ चुकी, करेक्ट, ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया, करेक्ट। चलिए अब हम बात करेंगे वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है जी, देखिए वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, ये लो जी, एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा क्यू बराबर क्या था, सॉरी डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू, है ना, ये था, ठीक है ना बेटा, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू, दिस इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस डी यू, माइनस डी यू, है ना, तो ध्यान दीजिए डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस डी यू, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस डी यू को मैं लिखूंगा डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस एन कैपिटल सी वी डी टी, है ना। अच्छा इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस एन कैपिटल सी वी डी टी, है ना, डी टी को मैं लिख सकता हूं टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, ओके, तो हम डेल्टा डब्ल्यू यहां लिख दे रहा हूं मैं, है ना, देखो डेल्टा डब्ल्यू बराबर आप चेक करना एन सी वी टी टू, एन सी वी टी टू माइनस टी वन, है ना, तो इसको मैं टी वन माइनस टी टू लिख देता हूं, माइनस साइन था ना, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर आ जाएगा एन सी वी टी वन माइनस टी टू। तो देखिए टी वन माइनस टी टू जो चीज है ये आएगा आपका पी वन वी वन अपॉन एन आर माइनस पी टू वी टू अपॉन एन आर, ठीक, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर आएगा एन से एन कट गया, सी वी इक्वल टू आपका आ जाएगा पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन एन,
अपॉन आर, सॉरी अपॉन आर, करेक्ट ओके। देखना इसको मैं क्या लिख रहा हूं, ये आपका सीवी है ना। अब मैं इसको लिखना चाहता हूं सीवी की वैल्यू यहां पर, मतलब सीवी को रिप्लेस करना चाहता हूं, कर दूं मैं, देखना एक अप्रोच काम में लूंगा और सीवी रिप्लेस हो जाएगा, आप देखना। यानी मेरी इच्छा है कि सीवी दिखाई ना दे, क्योंकि जनरली वही करना होता है, आपको सीवी देगा नहीं, वो गामा देगा ज्यादातर, क्या देगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस में गामा दिया जाएगा, गामा इज व्हाट, गामा इज सीपी अपॉन सीवी। तो देखना मैं क्या कर रहा हूं, आई एम जस्ट प्लेइंग, आई एम नथिंग, आई एम स्पेशल डूइंग, कुछ भी स्पेशल नहीं कर रहा हूं मैं, केवल एक गेम खेल रहा हूं छोटा सा। देखना क्या करूंगा बेटे, आप लोग जानते हैं गामा इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी, जानते हैं ना, गामा इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी। अब देखो इस सीपी को मैं लिख रहा हूं सीवी प्लस आर, और इसको क्या लिख दे रहा हूं सीवी। अब देखो आप, वन प्लस आर अपॉन सीवी, ये आपका गामा वायर है, ध्यान दो आप। तो मैं आर अपॉन सीवी को क्या लिखूंगा बताओ, आर अपॉन सीवी को क्या लिखूंगा बताओ, गामा माइनस में लिखूंगा, है ना, यस ओके, आर अपॉन सीवी को गामा माइनस वन लिखूंगा। तो भाई सीवी को क्या लिखूंगा, सीवी को लिखूंगा आर अपॉन गामा माइनस वन, खत्म, ये सीवी हो गया। बस उस सीवी को मैं वहां प्लेस करने जा रहा हूं, प्लेस करने जा रहा हूं, ये डेल्टा डब्ल्यू आ गया। तो ये आ गया पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन गामा माइनस वन। आप लोग चेक कर लीजिए कि मैंने सही लिखा है क्या। देखो बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन, इसका सबसे बेस्ट मेथड मैंने आपको बताया है ना, जो कि सबसे बेस्ट मेथड है ना। इसका एक मेथड और भी है, वैसे तो दो मेथड है, लेकिन एक मेथड और है जो आपके स्कूल वाले करवा सकते हैं। कुछ स्कूलों में ऐसा नहीं करवाया जाता, कुछ स्कूल टीचर्स उसको ये वाला लॉ लेकर के डेराइव करने के लिए फिर वापस से वो आइडियल गैस इक्वेशन यूज में करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, मतलब बेटर है आप ऐसा करें, इट इज दी मोर मतलब लॉजिकल और बड़ा सरल और सिस्टमेटिक है, तो मैं तो इसी को प्रिफर करता हूं। लेकिन आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपके स्कूल के अंदर, अगर आपके स्कूल में इसको किसी और अप्रोच से करवाया हो, तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसको समझा दूंगा, जूम सेशन में कह देना, समझा देंगे, दो मिनट लंबा चौड़ा नहीं है, इट विल टेक हार्डली फाइव मिनट्स। तो आप बोल दीजिएगा, वैसे 99% जो है ना ऐसे ही करवाया होगा, लेकिन कभी कभी किसी स्कूल के टीचर्स जो होते हैं ना वो करवा देते हैं ऐसा, मतलब वो उसका डिफरेंट मेथड करा देते हैं। तो डिफरेंट मेथड कराया होगा तो आप मेरे को बता देना, क्योंकि स्कूल टीचर्स की एक आदत होती है, जो मतलब कॉम्पिटिशन वाले तो कुछ सोचते ही नहीं है, उनको तो आपके करेक्ट रिजल्ट से मतलब होता है। स्कूल वाले कभी क्या, मैंने तो ऐसे कराया था, इसने ऐसे कैसे कर दिया, ये स्कूल वाले टीचर्स में बहुत होता है, मैंने तो ऐसे कराया ही नहीं था, इसने ऐसे कैसे कर दिया, मैंने तो लिखवाया कुछ अलग था, इसने लिख कैसे दिया अलग, नंबर काट लेते हैं। ये इलेवेंथ में ही होता है, ट्वेल्थ में नहीं होता है ऐसा, कभी नहीं होगा ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ में ये वाली चीज़ कभी नहीं होगी। बोर्ड होता है, बोर्ड में कौन करने वाला, स्कूल तक तो आपके नंबर कट जाते हैं, बोर्ड में नहीं कटेंगे, बोर्ड में तो फिक्स है सब कुछ, वहाँ पे एकदम सिस्टमेटिक काम होता है। चलिए, तो हमने ये सब कर लिया, अब हम आते हैं आपके इंडिकेटर डायग्राम पर। तो देखो, हमने जैसे आपसे कहा था कि जितने भी प्रोसेस थे, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मिक, उसमें हमने सबसे पहले एक रिलेशनशिप दी थी, उसके बाद इंडिकेटर डायग्राम बनाया था, इंडिकेटर डायग्राम के बाद में वर्क डन भी बनाया था, डीयू बनाया था, यहाँ सब कुछ हो चुका है, यहाँ सब कुछ हो चुका है। क्या क्या हो चुका है, यहाँ पे देखिए आपका लॉ स्टेट है ना, इक्वेशन ऑफ स्टेट और लॉ ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, इक्वेशन ऑफ स्टेट और लॉ ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, लॉ ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, इसको पॉइसन लॉ कहते हैं ना, इट इज पॉइसन लॉ, इसको मैं तीनों को लिख देता हूं, तीनों जो फॉर्म है कोई खास बात नहीं, तीनों फॉर्म एक ही हैं, कुछ विचित्रता नहीं है। पी वी रेस्ट टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट दूसरा था, टी वी रेस्ट टू पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और तीसरा था शायद
तीसरा था टी रेस्ट पावर गामा प्रोपोर्शनल टू पी रेस्ट पावर गामा माइनस वन, है ना, ऐसा ही था ना। एक मिनट, कहाँ मिलेगा ये, हाँ ये रहा, ये रहा, ठीक है। टी रेस्ट पावर गामा, टी रेस्ट पावर गामा प्रोपोर्शनल टू पी रेस्ट पावर गामा माइनस वन, ये आपका तीसरा था। ये तीनों आपको एक भी याद नहीं रखना है, केवल ये वाला काफ़ी है, क्योंकि उसके बाद में तो आप इसको यार याद रख रख के क्या क्या यादें रखे हो भैया। ये याद रखना तो बड़ा पाप होता है, ज़्यादा याद नहीं रखनी, कुछ चीज़ें तो याद रखनी चाहिए। जैसे एफ इक्वल टू एम ए तो याद नहीं रहेगा तो गए काम से, हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे अब पी वी इक्वल टू पी वी रेस्ट पर गामा याद रख लो, बाकी तो निकल जाएगा आपका। चलिए ये तो आपकी इक्वेशन ऑफ स्टेट हो गई। आपका डी यू आ गया, डी यू आपका आ गया माइनस एन सी वी डी टी, ये आपका डी यू आ गया, है ना। डेल्टा क्यू आपका पहले से ही डेफिनेशन में ही तय है, तो वो भी आपके आपका आ गया। अभी अभी आपके पास डेल्टा डब्ल्यू भी आ गया, डेल्टा डब्ल्यू भी आ गया। क्या आया डेल्टा डब्ल्यू, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन गामा माइनस वन, ये आपके पास आ गया, राइट आ गया बेटा, आपके पास सब कुछ आ चुका है। अब हम बात करेंगे इंडिकेटर डायग्राम की, ठीक है। अच्छा इसकी है ना, हम वो भी निकाल देते हैं आपको, एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्या, चलो पहले इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं ना। इंडिकेटर डायग्राम देखिए, गामा जो चीज है ना साहब, ये होती है सीपी अपॉन सीवी, और ये हमेशा ग्रेटर देन वन होती है, ये कभी भी लेस देन वन नहीं होती है, कभी भी लेस देन वन नहीं होती है। मैंने आपको जब मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाए थे, मैथमेटिक्स पढ़ाई थी, बेसिक मैथमेटिक्स, उसके अंदर आपको ग्राफ बताए होंगे काफी सारे। देखिए कैसा एक ग्राफ बताया था मैंने, चलो मैं यहां बता देता हूं फिर मिटा देंगे, है ना। मैंने इस तरह के ग्राफ के आपको बहुत सारे फॉर्म बताए थे, ऐसा एक ग्राफ बताया था, ऐसा एक ग्राफ बताया था। आप मैथमेटिकल टूल्स वाला चैप्टर देखो, है ना। इस ग्राफ को मैंने कहा था वाई प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वन अपॉन अंडर रूट एक्स, फिर इसको कहा था वाई प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एक्स, फिर इसको कहा था वाई प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर इसको कहा था वाई प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एक्स क्यूब, ऐसा था, है ना, वाई प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एक्स की पावर फोर, इस तरह की चीजें हो रही थी। आपका वॉल्यूम, ये मतलब सॉरी पावर जो थी ना एक्स की, इनवर्स में, इनवर्स, इनको इनवर्स ग्राफ बोलते थे हम सबको। आज वही सिचुएशन हमारे सामने बन रही है। क्या सिचुएशन बन रही है देखो इंडिकेटर डायग्राम में, हमारा फंडामेंटल ग्राफ है, फंडामेंटल लॉ है पी वी रेस टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं पी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी रेस टू पावर गामा। अब ये गामा एक से ज्यादा है, गामा एक से ज्यादा है। अगर ये वन होता, अगर अगर वन होता, मतलब अगर वन होता, होता नहीं है, एक से ज्यादा होता है, लेकिन अगर वन होता तो कैसा होता, देखो अगर ये पी वी है, वन होता तो ये ग्राफ ऐसा होता। इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम पी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी। और ये ग्राफ किसका ग्राफ होता है बताओ, ये ग्राफ होता है बॉयल्स लॉ का, बॉयल्स लॉ का ग्राफ होता है। और ये ग्राफ कब होता है यूज में, कब आता है बताओ, ये ग्राफ तब यूज में आता है जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके, करेक्ट, बॉयल्स लॉ वाला ग्राफ पढ़ा था हमने, है ना। हाँ अब देखिए यहां पर आपका ये जो ग्राफ आएगा पी वी रेस्ट पावर गामा, क्योंकि आपका जो गामा की वैल्यू है ना, ये देखिए इसमें हमने एक्स की वैल्यू बढ़ा दी, एक्स की पावर जो है ना बढ़ गई, तो ग्राफ ज्यादा स्टीप ग्राफ आएगा, ज्यादा झुका हुआ ग्राफ आएगा, है ना। ये आपका ग्राफ आएगा ऐसा, ये है आपका पी प्रपोर्शनल टू वन अपॉन वी रेस्ट पावर गामा, ओके। और इस ग्राफ की क्या खास बात है, डेल्टा क्यू जीरो है यहां पे, करेक्ट। अच्छा अब इन दोनों ग्राफ्स में डिफरेंस क्या है वो हम बता देते हैं आपको पहले, फिर बाद में हम वो वाली बात कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मिक एंड एडियाबेटिक, है ना, कंपैरिजन कर रहे हैं बेटा, आइसोथर्मिक एंड एडियाबेटिक। देखिए आइसोथर्मिक में जो स्लोप था ना, आइसोथर्मिक स्लोप, तो आइसोथर्मिक स्लोप जो था आपका वो था डीपी अपॉन डीवी, बराबर आया था माइनस पी अपॉन वी, ये आपका आइसोथर्मिक स्लोप था बेटा,
ये आपका आइसोथर्मिक स्लोप था। एडियाबेटिक स्लोप क्या है? एडियाबेटिक स्लोप है आपका डीपी अपॉन डीवी, इट इज इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स पी अपॉन वी। इसका मतलब यह होता है, इसका मतलब यह होता है स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, एडियाबेटिक इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मिक। ये बड़ी खास बात है, यानी कि एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है आइसोथर्मिक से ज्यादा होता है। ये आपका जो ग्राफ था ना, बॉयल स्लो आइसोथर्मिक था और ये आपका एडियाबेटिक है। दिस इज आइसोथर्मिक ग्राफ दैट वी हैव डन इन प्रीवियस लेक्चर, है ना, आइसोथर्मिक ग्राफ, एंड दिस इज एडियाबेटिक ग्राफ दैट वी आर डूइंग राइट नाउ, है ना, ये आएगा करेक्ट। तो बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है स्लोप ऑफ एडियाबेटिक गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मिक, किसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्टीप ज्यादा है, ग्राफ किसके अंदर ज्यादा आ रहा है, तो वो ये वाला स्लोप है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कुछ और बातें जो कि हम सभी प्रोसेस के लिए करते थे। देखिए, सबसे पहले मैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट की बात करूंगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस जीरो, कोई हीट वीट देनी नहीं है, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, बिना दिए ही चेंज हो जाएगा। हाँ, ये जोरदार बात है, है ना, स्पेसिफिक हीट जीरो। इसके अलावा इसमें इलास्टिक कॉफिशेंट ऑफ इलास्टिसिटी, कॉफिशेंट ऑफ इलास्टिसिटी कुछ नहीं है, वही बात, डेफिनेशन तो वही है बेटा, dp अपॉन dv अपॉन v, ये तो डेफिनेशन है, बस ये हो जाएगा माइनस गामा टाइम्स p हो जाएगा, खत्म खत्म। देखिए, ये हमने चारों प्रोसेस बेसिक वाले कर लिए हैं। अब एक प्रोसेस है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जिसको हम जनरल प्रोसेस कहते हैं, है ना, तो वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। पहले हम इन चारों का कंपेरिजन करेंगे और अगले लेक्चर में हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस करेंगे। तो अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, छोटी सी टेबल होगी, उसमें आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मिक और एडियाबेटिक चारों ग्राफ के रिजल्ट्स को एक साथ, चारों के जो प्रोसेस होंगे उनके रिजल्ट को एक साथ दिखेंगे और उसके बाद पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज के लिए काफ़ी है, नमस्ते, ठीक है।